मध्य प्रदेश में मिलावट में कसावट अभियान लगातार जारी रहेगा। गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि प्रदेश की सरकार ने अब तक 1637 बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिसमें से 12 मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 800 नतीजे सामने भी आ चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी अभियान शुरू किया था, लेकिन 16,000 सैंपल अभी तक पेंडिंग है। मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावट पर कसावट अभियान एक प्रारंभ किया है। एक महीना हो गया लगभग, 9/11/2020 से मिलावट पर कसावट चल रहा था। हमने प्रत्येक संभाग में एक मोबाइल वैन भेज रखी है, वो वैन तत्काल सैंपल लेती है और मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सामान खरीद के उसके पास जाकर के 10 रुपया वो देगा तो उस मोबाइल लैब में सैंपल की जांच हो जाएगी। आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, कोई भी जा सकता है। ये स्पष्ट निर्देश हैं सरकार के को कोई भी छोटे व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा, ना उसे अकारण को छेड़ा जाएगा। बड़े छोटा कोई परेशान नहीं होगा और बड़ा मिलावटखोर बचेगा नहीं, ये दोनों बातें समानांतर चलेंगी।